झांसी में भले ही अभी हवाई अड्डा नहीं बन सका है, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठकर अब हवा में सैर करने का लुत्फ पूरा उठा सकते हैं। जी हाँ, इस समय हम जो है झांसी के राजकीय संग्रहालय में है, जो कि किले रानी के किले के पास स्थित है। यहाँ हेलीकॉप्टर राइड सर्विस शुरू की गई है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हेलीकॉप्टर राइड है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर की राइड कराई जाती है। खास बात यह है कि यहाँ पर इन चेयर्स पे आप बैठ के या स्क्रीन पर जो झांसी का नजारा आता है, झांसी के प्रमुख स्थलों को यहाँ से दिखाया जाता है। देखिए इस तरह से ध्यान से स्टेडियम से हमने हेलीकॉप्टर उड़ान भरी और हम अब आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। वर्चुअल हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू करते हैं और हमारी वर्चुअल हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू हो चुकी है। झांसी का किला, बंगरा नामक हिल पर स्थित झांसी का किला 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने बनवाया था। इसी किले में बिल्कुल ठीक वैसा ही अनुभव होता है जैसा कि आप हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में आसमान में जब उड़ते हैं, ठीक अनुभव वैसा ही होता है। उसी प्रकार के आपको जो है बादलों के बीच से होकर आप गुजरते हैं। ये आप झांसी के किले के ऊपर आ गए हैं। ये ध्यानचंद जी की मूर्ति है, मेजर ध्यानचंद स्टैचू हिल। सीतरी बाजार के पास स्थित एक हिल पर मेजर ध्यानचंद जी की। आपको बता दें कि झांसी में संग्रहालय की स्थापना सन 1992 में हुई थी, लेकिन अब इसका बेहद स्मार्ट रूप नजर आ रहा है। जी हाँ, स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस राजकीय संग्रहालय को बिल्कुल स्मार्ट कर दिया गया है। ये देखिए आप, डिजिटल बुक है और इसके पन्ने भी जो है बिल्कुल डिजिटली पलटते हैं इस तरह से, और इसमें आप पन्ने पलटते जाइए, हिंदुस्तान के देश के जो महापुरुष हैं उनके बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनका पूरा जीवन परिचय इस बुक में समाहित है। आइए आप पुरानी चीजों को देखिए, नए डिजिटल दौर का अनुभव कीजिए। इसके अलावा आप अपनी नॉलेज भी परख सकते हैं। ये जो है कि कुछ है ये, और ये इन्होंने जो है कि कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर इसको बनाया है। टच वार रूम है, इसमें जो है कि इंस्ट्रूमेंट है जिसको आंखों में चश्मे की तरह इसको पहन लेते हैं। इसके बाद आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप 1857 की गदर के दरमियान जो झांसी की सेना और अंग्रेजों की सेना का युद्ध हुआ था, आप युद्ध के मैदान में बीचों बीच खड़े हुए हैं और 360 डिग्री पे ये घूमता है। बड़ा ही शानदार इसका अनुभव होता है। इसके साथ ही हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि झांसी के राजकीय संग्रहालय को पूरे उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट संग्रहालय है, जिसमें डिजिटल माध्यम से लोगों को इतिहास की जानकारियां दी जा रही हैं। अगर आप पुराने सिक्कों के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे अच्छा माध्यम मेरे ख्याल से और कोई नहीं हो सकता है। देखिए आप डिजिटली किसी भी युग के सिक्के पर चले जाइए, उसका पूरा इतिहास दोनों तरफ सिक्के आगे से कैसा दिखता था, पीछे से कैसा दिखता था, ये सारा इसमें नजर आ रहा है। नहीं, सिक्कों का निर्माण कैसे होता था इसके बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है। स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं। ये स्क्रीन है जिसमें बुंदेलखंड के 13 जनपदों का पूरा इतिहास शॉर्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल इतना सा, ये पीछे जनपदों के नाम लिखे हुए हैं, उनके मानचित्र बने हुए हैं। इस स्क्रीन को आप जहाँ ले जाएंगे उस जिले का पूरा इतिहास स्क्रीन पे आपके सामने नजर आने लगेगा। इसी तरह से देश की आजादी के आंदोलन का पूरा इतिहास इस स्क्रीन में समाहित है। आप देख सकते हैं, केवल आपको टच करना है, पूरा मटेरियल आपके सामने आता है। इसे आप जूम भी कर सकते हैं, जिसको भी आप देखना चाहें, जिसको भी आप पढ़ना चाहें, यहाँ पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में मौजूद है। ये बाबा जी का बाइस्कोप है, बहुत से लोग शायद आज की पीढ़ी तो इसको नहीं अनुभव किया होगा, लेकिन पुराने लोग इसे जानते होंगे, लेकिन विलुप्त हो चुका है।
ले राजकीय संग्रहालय से नए ढंग से नए तरीके से इसको संजोया है। इसमें देखने पर हम देख सकते हैं इसमें भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास चित्रों के माध्यम से पूरा दर्शाया गया है। बड़ा ही खूबसूरत नजारा है। चुके हैं टाइम मशीन में। ये देखिए बुंदेलखंड का इतिहास, केवल बुंदेलखंड का इतिहास ही नहीं बल्कि अगर आप जानना चाहें, ये स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर, यहाँ आपने डाल दिया रामायण का इतिहास, तो बुंदेलखंड में रामायण से संबंधित जो भी घटनाक्रम रहा है, रामायण काल का जो भी घटनाक्रम रहा है, वो स्क्रीन पे चित्रों के माध्यम से पूरा पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। केवल रामायण ही नहीं, आप 8वीं शताब्दी में पहुंच जाएंगे। आपको केवल इतना सा स्क्रीन को घुमाना है, 8वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। 8वीं शताब्दी में बुंदेलखंड कैसा दिखता था, यहाँ का कल्चर क्या था, वो सारा इस स्क्रीन पर नजर आएगा। सबसे खास बात यह है कि आपको इतना सारा कुछ देखने के लिए, इतना सारी चीजों को नई अनुभव करने के लिए महज 50 रुपए ही खर्च करना है। 50 रुपए में राजकीय संग्रहालय का एक बार आपने टिकट लिया, उसके बाद यहाँ पर जितनी भी गैलरी है वो सारी गैलरियों का भ्रमण कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर की सवारी का आनंद ले सकते हैं, बाइस्कोप भी देख सकते हैं, टाइम मशीन में भी जा सकते हैं, वर्चुअल बैलेंसिंग भी आप कर सकते हैं, सिक्कों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक ही जगह पर एक साथ कई सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं डॉक्टर रंजना सिंह बुंदेला। आज ये राजकीय संग्रहालय आई थी, आप क्या देखा आपने? मैं राजकीय संग्रहालय आई थी बच्चों को, ये जो न्यू राजकीय संग्रहालय बना हुआ है, बहुत ज़्यादा जिसमें टेक्निक्स यूज की गई हैं, पूरा साइंस निकाल के रख दिया गया, 3D 4D वर्चुअल चीज़ों को बच्चों को दिखाने लाए थे और हमने खुद भी देखा। इसमें बहुत अच्छा बुंदेलखंड का इतिहास, झांसी का इतिहास, इवन पूरे क्षेत्र का, जो भी हमारी पुरानी बुंदेली कल्चर, बुंदेली परंपरा, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हम तो देख ही रहे हैं और अपनी न्यू जनरेशन को, अपने बच्चों को भी दिखा रहे हैं कि इट डेवलप इंडिया, इतना विकसित भारत, इतनी सुंदर चीज़ें यहाँ पर डेवलप की गई हैं, लगाई गई हैं, कि बहुत अच्छा मैसेज आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगी कि यहाँ ज़रूर अपने बच्चों को लेकर विजिट करें, छोटे छोटे बच्चों के साथ आइए और सब परिवार यहाँ विजिट करें। चीज़ें नई देखने को मिलेंगी जो झांसी में आज से पहले नहीं थी, और हम इसको देखने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, IT सिटी जाया करते थे, वो सब अब आज हमारे झांसी में है। बहुत हर्ष का विषय है, बहुत ही खुशी होती है देखकर ये सब चीज़ें। मेरा नाम सृष्टि श्रीवास्तव है और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, बहुत टेक्निकल चीज़ें देखने को मिली, जो हम जहाँ हम लोग दूसरे शहरों में जाते थे आज हमारे झांसी में वो चीज़ें हैं, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर हमको विजिट करने में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।